Hello friend, good evening. Welcome to YouTube channel Construction Management. Construction Management पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. Friend, आज का वीडियो का टॉपिक है Quantity of Water in a UGWT. UGWT ये क्या है, इसके बारे में सब कुछ जानकारी देंगे. UGWT अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसके बारे में हम जानकारी देंगे. प्लीज़ वीडियो को शुरू से और आखिर तक देखिए. वाटर टैंक का जो पानी रहता है उसका क्वांटिटी कैसे निकालते हैं. एग्जाम्पल, एक साइज दे देते हैं जो टैंक का है, जैसे लेंथ 20 फीट हो गया, उसका चौड़ाई विद 15 फीट हो गया, टैंक का हाइट 10 फीट हो गया. वाटर क्वांटिटी इसका वॉल्यूम जानकारी करना है. वॉल्यूम ऑफ टैंक, हम क्या करेंगे, लेंथ इनटू विड इनटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला है. टैंक का साइज आप देखे हैं 20 इंटू 15 इंटू 10, ये टैंक का साइज है. इसको कैलकुलेट करेंगे, थ्री पॉइंट जीरो जीरो क्यूबिक फीट, ये क्यूबिक फीट में इसका पानी हो गया. अगर आप इसको लीटर में बनाना चाहते हैं क्यूबिक फीट को, तो पहले याद रखें 1 क्यूबिक फीट
28.7 लीटर पानी होता है। 1 क्यूबिक फीट में 28.7 लीटर पानी होता है। इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, क्यूबिक फीट को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। टोटल वाटर थ्री पॉइंट जीरो जीरो इंटू 28.7 फ्रेंड, ये हो गया 86.100 लीटर। ये क्यूबिक फीट लीटर में हो गया 88.100 लीटर पानी। अगर आप इसको गैलन में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे, याद रखें 1 गैलन में कितना पानी होता है, 1 गैलन का कितना पानी 1 गैलन में होता है, 3.785 का 1 गैलन होता है। इसको लिख देते हैं, कन्वर्ट इनटू गैलन। इसको क्या करेंगे, आपका 86.100 ये लीटर हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 3.785 डिवाइड करने पर आपका आंसर 22.747 ये गैलन हो गया। ट्वेंटी 2,747 गैलन पानी होता है टोटल। ये लीटर हो गया, ये गैलन हो गया और ये क्यूबिक फीट हो गया। फ्रेंड, वाटर टैंक का क्वांटिटी इस तरीके से निकालते हैं। जो तरीका बताए हैं G9 तरीका है, चैनल पर आकर के वीडियो को देख सकते हैं और
कोई भी बात होता है हम कंस्ट्रक्शन लाइन से वो वीडियो पर लेकर के आते रहते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है, आपके काम के लायक है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई तरह की कमी वीडियो के अंदर आती है तो इसको कमेंट करना मत भूलिए। इससे ज़्यादा जानकारी और क्या दे सकते हैं। चैनल पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जो कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटिव है। जो कोई भी भाई, एनी फ्रेंड, अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता है तो चैनल पर आकर के वीडियो को देख करके अपना मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए और वीडियो शुरू से आखिर तक देखने के लिए थैंक्स। We'll be right back.